हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं 2023 खत्म हो चुका है और अब फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सभी मूवीज के रिजल्ट्स फाइनल हो चुके हैं। तो हम अब बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज कौन सी रही, जिसमें हम नॉर्थ की मूवीज भी लेंगे और साउथ की मूवीज भी लेंगे। तो भाई हम 10 नंबर से शुरुआत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। तो यार 2023 साल ऐसा रहा जिसमें बॉलीवुड छाया रहा पूरी तरह से। बॉलीवुड को शिकायत थी कि लोग बॉलीवुड की मूवीज देखना छोड़ चुके हैं, लेकिन भाई 2023 में एक अच्छा कंटेंट दिया बॉलीवुड ने भी और दमदार फ्रेंड्स लोगों ने रिस्पांस दिया। और 2023 में बॉलीवुड के बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स ने कमबैक किया, जिसमें फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले शाहरुख खान शामिल हैं। शाहरुख खान की भाई 3 मूवीज आई 2023 में और तीनों की तीनों सुपरहिट हुई हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद सनी देओल बोल लीजिए, रणबीर कपूर बोल लीजिए, विक्की कौशल बोल लीजिए, भाई हर एक एक्टर ने अपना कमबैक किया। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अक्षय कुमार ने भी कमबैक किया ओ माय गॉड 2 के साथ। तो फ्रेंड्स कौन सी है टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज, आइए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं 10 नंबर पर हमारी मूवी कौन सी रहती है। 10 नंबर पर फ्रेंड्स हमारी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में आती है डंकी। डंकी जो कि फ्रेंड्स अभी दिसंबर में रिलीज हुई है, लेकिन फ्रेंड्स शाहरुख खान ने फिर से अपने स्टारडम में दिखा दिया कि भाई अगर कंटेंट में दम है तो मूवी चलेगी ही चलेगी। और साल की लगातार 30वीं मूवी फ्रेंड्स सुपरहिट दे दी डंकी, जिसमें फ्रेंड्स आपको फैमिली इमोशंस ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा और राजकुमार हिरानी स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी ने फ्रेंड्स हाईएस्ट कलेक्शन वाइज 241 करोड़ का कलेक्शन किया इंडिया में, जो कि फ्रेंड्स 10वें नंबर पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स 9th नंबर पर जो मूवी रही वो थी द केरला स्टोरी, जो कि फ्रेंड्स सबसे अंडररेटेड मूवी थी 2023 की, जो कि शायद ही लोगों ने सोचा था कि मूवी इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, लेकिन कश्मीर फाइल्स के बाद सबसे तगड़ी अंडररेटेड मूवी हिट हुई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसमें फ्रेंड्स हमें द केरला की स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर लड़कियों का धीरे धीरे धर्म परिवर्तन किया जाता है और कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो भाई ये मूवी ने कलेक्शन किया 288 करोड़ का कलेक्शन, जो कि भाई कोई नॉर्मल बात नहीं है इंडिया में 288 करोड़ का कलेक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स 8th नंबर पर जो मूवी आती है वो है फ्रेंड्स टाइगर 3, जिससे फ्रेंड्स काफी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन स्पाई यूनिवर्स का पार्ट होने के बावजूद टाइगर 3 इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। मुझे लगता है शायद कुछ तो इफेक्ट पड़ा इस पर वर्ल्ड कप का और कुछ फ्रेंड्स इसकी स्टोरी में इतना दम नहीं था। तो पर्सनली मुझे भी ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। तो इस मूवी ने फ्रेंड्स जो कलेक्शन किया वो था 346 करोड़ का कलेक्शन। तो भाई 346 करोड़ का कलेक्शन भाई आप देखने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके बजट के अकॉर्डिंग भाई मूवी इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई जो कि YRF को उम्मीद थी। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं 7वें नंबर पर मूवी। 7वें नंबर पर जो मूवी है वो है फ्रेंड्स तमिल मूवी, जो इसका नाम है जेलर, जिसमें फ्रेंड्स आपको रजनीकांत सुपरस्टार नजर आए थे। और फ्रेंड्स 15 अगस्त के क्लैश के बावजूद भाई ये मूवी ने 400 से ऊपर करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि 406 करोड़ का कलेक्शन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में। वर्ल्ड वाइड तो फ्रेंड्स ये कलेक्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन इंडिया में 406 करोड़ का कलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी, तो आप इसे फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे 6वें नंबर पर मूवी जो आती है वो है फ्रेंड्स सलार पार्ट 1 सीज फायर। भाई अभी अभी रिलीज हुई है दिसंबर में और भाई ग्रॉसिंग मूवी में ये भाई 6वें नंबर पर आ चुकी है, तो मुझे लगता है ये शायद 4थे नंबर पर भी पहुंच जाए। ये अभी अभी जस्ट जेलर को क्रॉस करी है, 406 करोड़ को क्रॉस किया है भाई सलार ने, तो मुझे लगता है भाई 450 करोड़ के आसपास रुकेगी ये मूवी जाकर। और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। तो इसके बाद फ्रेंड्स 5th नंबर पर हमारी जो मूवी आती है वो है फ्रेंड्स लियो। एक बार फिर से तमिल मूवी यहां पर आपको देखने को मिलेगी और लियो भाई मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी रही। शायद मैं एलसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स का इसे पार्ट समझ रहा था, लेकिन उसे उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया और इंडिविजुअल मूवी बनाई गई लियो। तो इंडिविजुअल मूवी के हिसाब से देखेंगे तो आपको लियो मूवी बहुत ही जबरदस्त लगेगी, जिसका फ्रेंड्स म्यूजिक लेवल भी भाई हॉलीवुड म्यूजिक दिया गया है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप फ्रेंड्स इसे जरूर देखिएगा। और इसका जो फ्रेंड्स ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 417 करोड़ का कलेक्शन, तो मुझे लगता है सलार इस कलेक्शन को क्रॉस कर जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 4th नंबर पर जो हमारी मूवी आती है वो है फ्रेंड्स गदर 2, जिसने फ्रेंड्स धमाल मचा दिया 15 अगस्त पर। 15 अगस्त के क्लैश के बावजूद भाई ये मूवी बहुत ही जबरदस्त हिट हुई और भाई इस मूवी का इतना ज्यादा हाइप था मैं आपको बता नहीं सकता जितना हाइप था इस मूवी का 15 अगस्त के पास।
पहले तो भाई एनिमल मूवी भी इसके साथ आनी थी, लेकिन अच्छा हुआ एनिमल मूवी इसके साथ नहीं आई। और गदर 2 भाई बहुत ही अच्छा कलेक्शन करके गई, जिसने सनी देओल पाजी का भी कमबैक करवा दिया। तो भाई इस मूवी ने जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया वो था 625 करोड़ का कलेक्शन, जो कि फ्रेंड्स शायद ही बॉक्स ऑफिस पर किसी ने सोचा था कि भाई गदर 2 625 करोड़ का कलेक्शन कर लेगा इंडिया में। तो भाई अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थर्ड नंबर की मूवी। थर्ड नंबर की मूवी है फ्रेंड्स शाहरुख खान शरण मूवी पठान, जो कि फ्रेंड्स साल में सबसे पहले मंथ में रिलीज हुई थी जनवरी में। तो भाई वहां से शाहरुख खान का कमबैक शुरू हुआ था और शाहरुख खान ने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की थी YRF की। तो पठान मूवी एक जबरदस्त हिट निकलकर सामने आई थी और 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था भाई वर्ल्ड वाइड। और फ्रेंड्स अगर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसका ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 655 करोड़, 655 करोड़, जो कि मुझे लगता था कि शायद कोई मूवी बीट नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई जो टॉप टू मूवीज हैं उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी बॉक्स ऑफिस जो रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए बना है और टूटेगा जरूर। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड नंबर की मूवी, जिसने फ्रेंड्स पठान का जस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका नाम था एनिमल। एनिमल जो कि फ्रेंड्स दिसंबर में रिलीज हुई और किसी ने नहीं सोचा था कि एनिमल इतनी जबरदस्त हिट होगी ए रेटिंग सर्टिफिकेट के साथ भी। तो जिसने फ्रेंड्स रणबीर कपूर का कमबैक भी करवाया और फ्रेंड्स रणबीर कपूर को डिफरेंट शेड्स में भी देखा और इसमें फ्रेंड्स बॉबी देओल का कमबैक भी हुआ। तो भाई इसमें फ्रेंड्स आपको साउंड म्यूजिक हर कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा। राइटिंग स्टोरी संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया थी। तो इस मूवी ने फ्रेंड्स जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया वो था 660 करोड़ का कलेक्शन, जो कि जस्ट बीट किया भाई पठान को। तो पठान को बीट करना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन भाई बीट कर दिया एनिमल ने। और इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करेंगे हमारी नंबर वन मूवी, जो कि फ्रेंड्स मेरी पर्सनल फेवरेट रही 2023 की भी। 2023 में जितनी मूवीज आई वो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन भाई शाहरुख खान स्टारर मूवी जिसका नाम था जवान, जवान भाई जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और मुझे लगता है कि मतलब कोई भी रिकॉर्ड इसके सामने फीका पड़ गया। हाईएस्ट अगर वीकेंड की बात कर ले, हाईएस्ट सिंगल डे ओपनर की बात कर ले, तो भाई इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जवान ने। और जवान ने भाई नेट हिंदी कलेक्शन में भी बात करें फास्टेस्ट 200, 300, 400, 500 और फास्टेस्ट 600 करोड़ का कलेक्शन भाई जो रिकॉर्ड्स हैं वो जवान के नाम है। तो भाई ये मूवी 700 से ऊपर करोड़ का कलेक्शन किया, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन इंडिया। तो भाई इसको तोड़ना इम्पॉसिबल सा था, पहले तो लग रहा था कि एनिमल शायद इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दे, लेकिन भाई धीरे धीरे आते आते वो रिकॉर्ड फीका पड़ गया और भाई एनिमल उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नहीं तोड़ पाई, उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। तो जवान भाई ऐसी मूवी है जिसमें आपको शाहरुख खान के अलग अलग भाई चेहरे देखने को मिलेंगे, जहां पर फ्रेंड्स डायरेक्टर एटली ने निचोड़ दिया पूरी तरह से शाहरुख खान को। तो ये आपको फ्रेंड्स मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो भाई ये मुझे लगता है मूवी सभी को अच्छी लगी थी, इसीलिए हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शामिल हुई हैं टॉप 10 में। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।